सोलन में भाजपा और कांग्रेस को टिकट मिलने की चुनावी सरगर्मियां दोगुनी हो चली हैं। कांग्रेस में थोड़े से मनमुटाव के बाद अब नया जोश दिखाई देने लगा है। दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर अपने अपने राजनीतिक दलों को जिताने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सोलन में इस बार विधानसभा चुनाव भी बहुत ही रोचक होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस से धनीराम शांडिल और भाजपा के राजेश कश्यप में दामाद और ससुर का रिश्ता है। और मजे की बात यह है कि दोनों ने ही एक दूसरे की पार्टी को ही घेरना आरम्भ कर दिया है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने बताया कि वह समय आ गया है जब जनता पर हो रहे केंद्र सरकार के अत्याचारों का जवाब कांग्रेस एक बार फिर दे सके, और इसीलिए सोलन से विधायक धनीराम शांडिल 20 तारीख को अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। वह यहां से जीतकर जीएसटी और देश में बढ़ती महंगाई दोनों का जवाब देने वाले हैं।